हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने की स्टेप्स क्या है. सो सबसे पहले स्टेप वन, जो हमको कर्व गिवन होगा उसका यूज करके हम स्लोप फाइंड करेंगे, यानी टू फाइंड एम. एम मीन्स व्हाट? स्लोप, विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स. यानी हमको क्या लेना रहेगा? डेरीवेटिव ऑफ गिवन कर्व. देन स्टेप टू, अभी याद रखिए ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, एम इज वॉट? स्लोप ऑफ टेंजेंट. देन स्टेप टू, बाई यूजिंग एम वी विल फाइंड एम डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एम. ओके, सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड करना है? एम डैश, जो कि इक्वल टू है माइनस वन अपॉन एम. सो एम डैश इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. ओके, सो ये दोनों हमको सबसे पहले फाइंड करनी है. देन स्टेप थ्री, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम. याद रखिए फॉर टेंजेंट, टेंजेंट के लिए है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, यहाँ पे m है, देन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, वेयर एक्स वन एंड वाई वन आर गिवन कोऑर्डिनेट्स, ये हमको गिवन रहेगा. देन द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है. देखो यहाँ पे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम डैश, यहाँ पे स्लोप क्या है? m डैश, देन x माइनस एक्स वन. सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप m और यहाँ पे नॉर्मल के लिए m डैश. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिम फॉर्मूला. सो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो दिस इज क्वेश्चन. Find the equation of tangent and normal to the curve. हमको ये curve given है which is 2x square minus xy plus 3y square equals to 18 at 3, 1. See, याद रखिए हमको क्या given है? 3, 1. So, given x1, y1 equals to 3, 1. ये point हमको given है. Then, curve क्या है हमको? Curve, ये हमारा curve है. सो हम कर्व लिखेंगे 2x square minus xy plus 3y square equals to 18. Now what is first step? We have to find slope m which is equals to derivative of this curve. सो हमको क्या लेना है इस कर्व का? डेरीवेटिव. सो लेट्स टेक अ डेरीवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉट? x. देन 2x. 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 2 इट विल बी एज इट इज, क्योंकि ये वेरिएबल के पहले का कॉन्स्टेंट है. देन डेरिवेटिव ऑफ 2x, x स्क्वायर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये 2 कहाँ पे आएगा? मल्टीप्लीकेशन में, और ये x. देन माइनस. नाउ सी, यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो फंक्शन है, x और y. ये दो अलग अलग वेरिएबल, इसलिए ये दो अलग अलग फंक्शंस है. इन दोनों के बीच में क्या है? देयर इज मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पे हमको x इंटू वाई के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा. सो क्या है प्रोडक्ट रूल? अगर हमारा x u है और y v है, सो पहले हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन विच इज x, देन d by dx ऑफ वॉट? सेकेंड फंक्शन विच इज y, देन प्लस देन सेकेंड फंक्शन विच इज y, देन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x, देन प्लस एज इट इज, then 3 again as it is, then what is derivative of y square? 2y. अब हमने देखे थे कि जब हम implicit function में y terms का derivative लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हम किससे उसको multiply करते हैं? dy by dx. okay, so इसलिए हमने इसको multiply किया dy by dx, then equal to 18, अकेला constant है, अकेला constant रहा, so उसका derivative क्या होता है? 0. देन सिंप्लीफाई कर लेते, 2 2 4x माइनस, ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो x
dy बाय डी एक्स माइनस ये माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस माइनस वाई. वॉट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स? इट इज वन. सो वन देन प्लस थ्री टू जा सिक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू जीरो. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट साइड में कलेक्ट करते. ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है तो पहले मैं ये पॉजिटिव टर्म लिखती हूँ सिक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स. देन फिर ये माइनस वाली टर्म लिखती हूँ माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू. अब जितने भी नॉन डी वाई बाई डी एक्स जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हमको कहाँ पे लेना है? राइट हैंड साइड में यहाँ पे. सो कौन सी बच गई टर्म्स? ये और ये. इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है क्या? नहीं. सो ये दोनों टर्म कहाँ पे आएंगी? आर एच एस में. सो ये माइनस वाई है यहाँ पे राइट साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस वाई. देन ये यहाँ पे प्लस फोर एक्स है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा? वो माइनस फोर एक्स. देन नेक्स्ट हमको क्या करना है? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमको कॉमन लेना है. सो यहाँ पे हम इसको कॉमन लेते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले ली. सो क्या बच गया अंदर? यहाँ पे सिक्स वाई देन माइनस यहाँ पे क्या बच गया? एक्स. देन इक्वल्स टू यहाँ की टर्म वाई माइनस फोर एक्स विल बी एज इट इज. ओके देन क्या करेंगे? ये ब्रैकेट को हम ये वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पे लेके आएंगे. सो वो डिवाइड हो जाएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी वाई माइनस फोर एक्स अपॉन सिक्स वाई माइनस एक्स. ये क्या है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स. अब हमको डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप किस पॉइंट पे फाइंड करनी है? एट थ्री कॉमा वन. सो हम कैसे लिखते हैं इसको? डी वाई बाई डी एक्स एट थ्री कॉमा वन इक्वल टू. देखो ये पहला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट. सो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हम थ्री रखेंगे, जहाँ जहाँ वाई वहाँ पे वन. सो यहाँ पे वाई इसलिए वन माइनस फोर एक्स के जगह थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स वाई के जगह वन माइनस एक्स एक्स के जगह थ्री. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो वन माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व अपॉन सिक्स वन ज़ा सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन माइनस ट्वेल्व माइनस एलेवन अपॉन सिक्स माइनस थ्री थ्री. यानी कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? माइनस एलेवन अपॉन थ्री. डी वाई बाई डी एक्स यानी ही क्या है हमारा? एम विच इज माइनस एलेवन अपॉन थ्री. दिस इज वॉट? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. सेकेंड स्टेप हमको क्या फाइंड करना है? बाय यूजिंग दिस एम हमें एम डैश फाइंड करना है. एम डैश का क्या फॉर्मूला देखे हमने? माइनस वन अपॉन एम. तो चलिए फाइंड करते हैं. माइनस एज इट इज वन अपॉन क्या आया हमारा? एम माइनस एलेवन अपॉन थ्री. अब ये थ्री कहाँ चले जाएगा? ऊपर. और ये माइनस माइनस विल गेट कैंसल तो हमको मिलेगा थ्री अपॉन एलेवन. सो क्या मिला हमको? एम डैश थ्री अपॉन एलेवन विच इज वॉट? स्लोप ऑफ वॉट? नॉर्मल. देन एम मिल गया, एम डैश मिल गया. देन हमको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय क्या है फॉर्मूला? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. सो y विल बी एज इट इज माइनस. वॉट इज आर y1? यहाँ पे हमने देखे थे गिवन हमारा y1 क्या है? वन. और x1 क्या है? थ्री. सो वन माइनस m के जगह क्या लिखेंगे? माइनस एलेवन अपॉन थ्री. देन x माइनस एक्स वन क्या है हमारा? थ्री. अब सॉल्व करेंगे. सो ये थ्री इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. थ्री वाई माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एलेवन एज इट इज एक्स माइनस थ्री. अब इसको सॉल्व करते हैं. थ्री इंटू वाई थ्री वाई माइनस थ्री इंटू वन थ्री इक्वल टू माइनस एलेवन इंटू एक्स. देन दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस थर्टी थ्री. सो अब ये माइनस एलेवन एक्स इसको इस साइड लेके आएंगे तो इट विल बी प्लस एलेवन एक्स. देन ये प्लस थ्री वाई विल बी एज इट इज माइनस थ्री विल बी एज इट इज. देन ये थर्टी थ्री इस साइड आएगा तो प्लस से वो माइनस हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एलेवन एक्स प्लस थ्री वाई ये क्या हो जाएगा? माइनस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब लास्ट क्या बच गया हमारा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, अब हमने देखे थे
कि क्या डिफरेंस है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में. सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे m की जगह क्या रहेगा, m डैश, देन x माइनस x1, y माइनस y1 क्या था हमारा अगेन गिवन हमको यहाँ पे, देखो y1 क्या है हमारा 1, इक्वल टू m डैश क्या आया हमारा, m डैश 3 अपॉन 11, देन x माइनस x1 कितना है गिवन है 3. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. अब ये 11 यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1, 3 एज इट इज़ x माइनस 3, 11 इंटू वाई 11 वाई माइनस 11 इंटू 1 11, 3 इंटू x 3 एक्स माइनस 3 3 ज़ा 9. अब ये 3 एक्स को हम यही रखेंगे और ये 11 वाई को इस साइड में लेके आ जाएंगे, सो वो माइनस 11 वाई हो जाएगा. ये माइनस 9 एज इट इज़, देन ये माइनस 11 इधर आएगा तो प्लस 11 इक्वल टू 0. देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x माइनस 11 वाई माइनस 9 प्लस 11 कितना होगा, करेक्ट प्लस 2 एंड इक्वल टू 0. सो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो इस तरह से हमने फाइंड की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम.